तस्वीरें, आखिर वो तस्वीरें क्यों डरा रही है, आइए हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। नोएडा में आप में से कई लोग जो नोएडा में रहते हैं, हाई राइज सोसाइटी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन जो लिफ्ट है उनकी वो किस तरह से संसद में डाल देती है, आप यहाँ इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है जहां पर एक बच्चा इस लिफ्ट के भीतर फंस जाता है। आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो हर आए दिन, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से आपका कोई अपना फंस जाता है, और जब एक छोटा बच्चा उसमें फंसता है, एक घंटे तक वो इस लिफ्ट में फंसा रहता है। उसके बाद देखिए किस तरह की मशक्कत यहां पर हो रही है। लोहे की एक रॉड लेकर आई जाती है और फिर किसी तरह से उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश की जाती है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ग्रीन आर्ट सोसाइटी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर लिफ्ट में फंस जाता है एक छोटा बच्चा, और उस बच्चे को उस लिफ्ट के भीतर से निकालने के लिए आप समझिए कि एक घंटा, मतलब 5-10 मिनट की बात नहीं है बल्कि पूरा एक घंटा छोटा बच्चा किस तरह से अकेले वो उस लिफ्ट में फंसता है, और फिर उसके बाद जैसे ही इस बात की जानकारी बाकी लोगों को लगती है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है, नोएडा हो ग्रेटर नोएडा हो, इसी तरह की तस्वीरें हर आए दिन सामने निकल कर आती है कि जहां इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहां पर देखिए कि लिफ्ट में जाने के लिए वो मेंटेनेंस की अगर हम यहां पर बात करें तो क्या है, वो सवालिया निशान लगाता है क्योंकि हर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन इस पर लगाम आखिर क्यों नहीं, कोई कंट्रोल आखिर क्यों नहीं है। और आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के पहले पड़ाव की तरफ और बात करते हैं आखिर क्यों गुस्से में हैं धरती के भगवान। रिपोर्ट आया अभी तक हमें वो भी नहीं पता चला है, तो वो सब जब तक क्लियर नहीं होता है हम लोग अभी तक चलाते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन है, इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर पुलिस अभी तक ये स्वीकार भी नहीं कर रहा है, मल्टीपल एक्यूज्ड है, वो आंसर भी नहीं दे पा रहा है। तो जस्टिस मिलने के बाद भी शांत होंगे। आजकल बंगाल की जो सड़कें हैं, कोलकाता की जो सड़कें हैं, वो वी वांट जस्टिस के नारे के साथ, नारे की गूंज के साथ ही सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोलकाता में ही सुनाई दे रही है, बंगाल में ही सुनाई दे रही है, बल्कि वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो देश भर से अब सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिर गुस्से में हैं धरती के भगवान, हम क्यों ये कह रहे हैं। देखिए कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर का ये पूरा मामला है, जिस वजह से जो हर आज देशव्यापी जो हड़ताल है वो देखने को मिली थी। डॉक्टर से दरिंदगी केस में डॉक्टर्स की ये हड़ताल दरअसल आज थी। देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये हड़ताल की थी, इसका ऐलान किया था, इसका आह्वान किया था, और डॉक्टर्स के साथ जो सुरक्षा जो है उसमें मांग की बात यहां पर हो रही थी। ये एक्शन यहां पर लेने को कहा गया, साथ ही साथ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गुस्से में साफ तौर पर नजर आ रहे थे वो डॉक्टर्स। कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, और जाहिर सी बात है कि इस वजह से जो असर है वो खासा देखने को मिला। देश भर में 3 लाख डॉक्टर्स बेमियादी धरने पर रहे, और इसका पूरा किस तरह का असर देखने को मिला वो भी हम आपको बताएंगे। और दिल्ली के भी सभी बड़े जो अस्पताल हैं वहां पर आप देखिए कि जो व्यवस्था है वो वहां पर चरमरा गई थी। ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर पर हड़ताल से खासा असर पड़ा। तो बंगाल की ये जो गूंज है, ये जो रेप मामला है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो देखिए कि दिल्ली तक किस तरह से उसकी जो गूंज है वो दरअसल नजर आती है। लेकिन आइए अब आपको तस्वीर हम यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से आज देश भर से डॉक्टर्स के हड़ताल की ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुस्से में है धरती का भगवान, भगवान जिनको भगवान माना जाता है वो क्यों आखिर इस तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं, वो गूंज जो कोलकाता से उठी आरजी कर अस्पताल से, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, देश भर से इसी तरह से बैनर पोस्टर्स लिए अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स आज धरने पर रहे। सुनिए जरा।
वांट जस्टिस के ये नारे गूंजते रहे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। और आइए कोलकाता में किस तरह से ये प्रदर्शन आज भी होता रहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर हम अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां देखिए, वहां अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, ये सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल की मांग कर रहे थे। ये देखिए यहां पर ये साफ तौर पर ये तमाम पोस्टर्स बैनर्स लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर पहुंचे हुए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। अपनी 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 सुरक्षा की मांग को लेकर, उसको सुनिश्चित करने को लेकर वो प्रोटोकॉल यहां पर तय करने की बात कर रहे थे, वो एक्शन लेने की यहां पर बात कर रहे थे। और अगर हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की यहां पर बात करें, उस अस्पताल की यहां पर बात करें, तो ये पहला इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो सवालों के घेरे में रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, सुनिए जरा। मांगे बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए, दूसरी बात विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। एक मर्सीलेस क्राइम है, बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नॉन डॉक्टर। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे की लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई, हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकेंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। वहाँ पे सब हाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही से कुछ भी जांच उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पहले तो इन्वेस्टिगेट हो, सेकंड सेफ्टी के लिए हमारी 36 आवर्स ड्यूटी लगाई दी गई है, ठीक है। हमें रूम्स नहीं होते प्रोवाइड किए जाते, ना उसमें सिक्योरिटी है। वहाँ पे ऐसा कमेंट पास किया गया है कि लड़की वहाँ पे क्यों गई थी इतने रात को। ये जो भी हुआ है हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। फीमेल डॉक्टर्स बिल्कुल भी हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। हमारी सरकार से बिल्कुल जोरदार अपील है कि इस संदर्भ में वो बिल्कुल कुछ एक्शन दें। पहली बात तो ये पहला एपिसोड नहीं है, निर्भया कांड से लेते ही इतने बार एपिसोड्स हो चुके हैं, अभी तक भी कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर डॉक्टर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वॉयलेंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है सर। आए दिन सरकारी हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वॉयलेंस के एपिसोड्स होते ही रहते हैं। सर ये हॉस्पिटल कैंपस जो पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स होता है उनके लिए घर जैसा होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि घर में घुस के किसी के साथ गलत हुआ है। तो अगर डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ नहीं होंगे तो महिला सिक्योरिटी पे जो हम जो बातें करते हैं सिर्फ के हर जगह सेफ है, वो कैसे प्रूफ हो पाएगा सही। तो जो प्रॉपर DDRs होते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो नहीं होते हॉस्पिटल्स में। अगर आप दिल्ली में देखो तो कंपैरेटिवली फिर भी एक बार को दिल्ली में ही अगर स्कार्सिटी है तो आप सोच सकते हो कि फेरिफ्रल कॉलेज में कैसे हो सकती है।